गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मित्रता निबंध का आगे अध्ययन करेंगे। पिछले में हम लोग ने देखा था वीडियो में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि मित्र जरूरी नहीं है कि उन लोगों का स्वभाव प्रकृति एक सी हो, भिन्न भिन्न प्रकृति वाले भी मित्र हो सकते हैं। अनेक उदाहरणों द्वारा राम लक्ष्मण के और दुर्योधन इत्यादि के, चंद्रगुप्त और चाणक्य का, अकबर और बीरबल के अनेक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट किया था इन्होंने कि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। आगे देखिए और मित्र की क्या विशेषताएं इन्होंने बताई है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। ये कह रहे हैं कि जैसे हम मित्र बनाने के लिए जिन विशेषताओं को हमें देखना जरूरी है और हमें उनके गुणों को देखकर मित्र बनाने चाहिए, वैसे ही हमें जान पहचान भी ऐसे ही लोगों से करने चाहिए जिससे हमें क्या हो, लाभ हो, जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाएं, जो हमें गलत मार्ग से रोकें, जिनसे हमें लाभ हो। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनमें हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हमें मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो हमें हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमारे आनंद का कारण हो, ऐसे मित्र ना हो जिनसे हमें, या ऐसे जान पहचान हमें नहीं ऐसे लोगों से बढ़ानी चाहिए जिनसे हमें क्या हो, हानि हो या कुछ भी लाभ ना हो। ऐसे व्यक्ति से जान पहचाना पहचान बढ़ाना क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, ये बताना क्या चाह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है, थोड़ा है, और उस थोड़े से जीवन को हमें सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हर पल आनंद से व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए, और उसमें हमें जान पहचान वालों की सहभागिता जो हो वो कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये छोटा सा जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उससे हम लाभ उठा सकें, उस जीवन में हम कुछ कर सकें, कुछ आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकें और ऐसा कुछ कर जाएं जिससे हमारे इस धरती से जाने के बाद लोग हमें अच्छे लोगों में गिन सकें। ऐसा ना हो कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि अच्छा हुआ ये शख्स चला गया, बल्कि ये क्या करें, वो आप को स्मरण रखें, आपको याद करें, आपके गुणों के कारण, आपकी अच्छाइयों को याद करके। उसमें खाने के लिए समय नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उसमें क्या है, खाने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या कोई विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बता सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। क्या बता रहे हैं, ये जो जान पहचान के लोग हमारे बनते हैं या हम बनाते हैं, तो उनमें यदि ये गुण नहीं है कि वो हमारे क्या है, वो कोई बुद्धिमानी की हमें बात बताएं या हमारे साथ
हंसी करें या हमारे मनोविनोद का कारण हो या कोई अच्छी बात यदि वो नहीं बताते हैं हमारी कष्ट में दुख में हमारे हमारे सहानुभूति यदि हम पर नहीं रखते हैं या हमारे खुशी में वो आनंद में वो यदि वो भागीदार नहीं होते हैं सम्मिलित नहीं होते हैं या हमें हमारे कर्तव्य को जिससे यदि हम भटक गए हैं वो हमें याद नहीं दिलाते हैं तो क्या बताना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि ऐसे लोगों से ईश्वर हमें क्या करें दूर ही रखे। यानी वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का साथ हो जो हम हमें क्या करें हम उनके साथ जब रहते हैं तो हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकें वो हमें सन्मार्ग की ओर लाएं वो हमारे कर्तव्य को याद दिलाएं हमारे आनंद में वो सम्मिलित हो वो हमारी खुशी में खुश हो तथा दुख में दुखी हो ऐसे व्यक्ति का साथ होना जरूरी है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है जड़ मूर्तियां यानी जो स्थावर हैं जो एक जगह पे रहती हैं ऐसी मूर्तियों को सजाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बहुत जल्दी से लोगों का एक दूसरे से परिचय हो जाता है हम कहीं जाते हैं ढेर सारे लोग हमें मिलते हैं और चंद मिनटों में ही वो हमारे क्या है नजदीकी करीबी हो जाते हैं परिचित हो जाते हैं तो जान पहचाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ क्या है थिएटर देखने जाए हाँ फिल्म देखने के लिए जाने के लिए ढेर सारे आपको लोग मिल जाएंगे नाच रंग में जाएंगे यानी ना जो रंगमंच है उसमें जाने के लिए वो आपके साथ तैयार हो जाएंगे सैर सपाटे में भी जाएंगे लिखा है सैर सपाटे में जाएंगे भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे हाँ यदि आप दावत देते हैं तो वो आपके दावत में भी शरीक होंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति आपको ढेर सारे संसार में मिल जाएंगे जो आपके साथ आपके आनंद में आनंदित होंगे और वो आपके साथ साथ आपके सहभागी होंगे लेकिन यदि इनसे लाभ नहीं है तो कोई हानि भी नहीं होगी पर यदि हानि होगी तो बड़ी होगी बड़ी भारी होगी। ये क्या कह रहे हैं यदि आप ऐसे लोगों का साथ करते हैं और उनसे आपको हानि होती है तो कैसी हानि होगी वो छोटी मोटी हानि होने वाली नहीं है वो क्या होगी बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं कैसे हैं ये लोग यदि ये इस प्रकार के लोग हों जो क्या करें अमीरों की बुराइयां करें और मूर्खताओं की यानी जो गलत मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं उनका वो नकल करें ऐसी यदि हैं तो क्या होगा बड़ी हानि होगी। दिन रात बनाओ सिंगार में रहा करते हैं महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। मतलब कहने का मतलब है यदि ऐसे व्यक्तियों का साथ होता है तो
हमारे जीवन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसमें कोई सार ही नहीं होगा और वह एक चिंता का कारण हो जाएगा। तो हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना है जो गलियों में क्या करते हैं, एक दूसरे का ठट्ठा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, मतलब गलत मार्ग पर जो रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का साथ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। वो ऐसे व्यक्ति कैसे कहाँ हैं? वो अच्छी अच्छी बातों से कोसों दूर है, बहुत दूर है। उनको उन अच्छी बातों का ज्ञान ही नहीं है, उसका उन्हें आनंद ही प्राप्त नहीं होने वाला। वो अच्छी बातें क्या हैं? देखिए, उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, यानी कि वो कवियों की रचनाओं से, उनकी कविताओं से, उनकी छंदोबद्ध रचना का जो आनंद उन्हें मिलना चाहिए वो उसे प्राप्त करने से क्या है, कोसों दूर पाए जाते हैं। आगे लिखा है, और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं, ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं, उनके ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो दुराचारी हैं, जिनको क्या है, संसार में जो वास्तविक जो आनंद मिलना चाहिए उससे जो कोसों दूर हैं, वो क्या है, यहां लिखा है कि वो महात्माओं यानी जो अच्छे आचरण वाले लोग हुए हैं, उनकी सुंदर बातों से, उनके आचरण से वो क्या है, बहुत दूर है। वो अज्ञात हैं, वो अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते कि कितने महात्माओं ने अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्होंने अपने आचरण द्वारा लोगों को क्या बातें बताई हैं, हमें उनको उनका अनुकरण करना चाहिए। उनके लिए क्या है, ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, वीर क्या है, ऐसे ऐसे कार्य कर गए हैं जो क्या है, हमारे लिए लाभदायक हैं, प्रेरणादायक हैं, तो वो सबसे वो क्या है, अज्ञात हैं। ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं, और वो इस बात से भी अनजान है कि उनके लिए अनेक लेखकों ने अच्छे विचार अपने ग्रंथों में लिखे हैं, जिसको पढ़ के वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और मतलब कि सात्विकता की उमंगें उठती हैं हृदय में, जिसको पढ़ने से, जिसके ज्ञान के द्वारा हम क्या है, एक राक्षसी प्रवृत्ति से हम क्या होते हैं, दूर होते हैं। मतलब सात्विक जीवन जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, हमें इस संसार में रहते हुए जो है, जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति कराता है, उससे वो क्या है, दूर है। उनके लिए फूल पत्तियों में भी कोई सौंदर्य नहीं है। हम जब क्या करते हैं, जो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं, सदाचारी हैं, उनको क्या है, इन प्राकृतिक सौंदर्य को देखने से क्या है, आनंद की प्राप्ति होती। किंतु ऐसे व्यक्ति जो मूर्खों पर, मूर्खों की को देखकर उन पर हंसते हैं, उनकी नकल उतारते हैं, फिल्मों में जिन्हें आनंद आता है, महफिलों में जो ओहो ओहो और वाह वाह करते हैं, जिनको क्या है, नशे में आनंद की प्राप्ति होती है, वे सब ऐसे लोगों को प्रकृति से कोई भी
सौंदर्य की प्राप्ति नहीं होती है, झरनों की कलकल में मधुर संगीत नहीं। हाँ, उन्हें झरनों की कलकल में वो जो मधुर संगीत जो होता है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है, उन्हें उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। हाँ, कि इस सागर में जो क्या है, अनेक रहस्य हैं जिनको जानने से हम क्या कर सकते हैं, उनमें छुपी हुई निधियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और ईश्वर की महिमा का गान कर सकते हैं। इन सब का कोई भी उन्हें आभास नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। ये बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों में सच्चे अर्थ में कोई भी प्रयत्न और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका भी कोई आनंद नहीं होता है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख, सच्चे प्रेम का सुख भी नहीं होता है और कोमल हृदय की शांति नहीं। उनका हृदय क्या ऐसा होता है, बेचैन होता है, विचलित रहता है। वो उस असीम आनंद को जो ईश्वर देना चाहते हैं उसे वे प्राप्त करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है, वो क्या है, सांसारिक प्रलोभनों में, सांसारिक लालसाओं में, संसार के प्रलोभनों में अपने आप को लिप्त किए रहते हैं, यानी वो उसी में आनंद को खोजते हैं। और उसमें क्या है, आप सब जानते हैं कि संसार की चीजों से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती है। किंतु जो ईश्वर आनंद देना चाहता है वो क्या होता है, असीमित होता है। जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, हाँ, उनका हृदय जो है कैसे है, तुच्छ, छोटे छोटे जो है, जो आशय हैं और जो कुत्सित विचार हैं, यानी कुंठित जो विचार हैं, जो उनकी सोच जो है वो कैसी है, कुत्सित है, ऐसे नाशोन्मुख, ऐसे विचारों से वो क्या है, कलुषित है, यानी पाप में है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्तियों को क्या है, दिनों दिन संसार में बुराई की ओर बढ़ते हुए और अंधकार में जाते हुए देखकर कौन ऐसा सात्विक व्यक्ति नहीं होगा जो इन पर तरस नहीं खाएगा। मतलब कि सब इनके आचरण पर, इनके व्यवहार पर वो क्या होंगे, तरस खाएंगे कि ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, गलत राह पे जा रहा है। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। ये बता रहे हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों का हमें साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से जान पहचान बिल्कुल बढ़ानी नहीं चाहिए। मकु दुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आम इंसान ही ऐसा कार्य नहीं करता, बल्कि यहाँ पे बताया जा रहा बादशाह के लिए, कहाँ के, मकुदुनिया के बादशाह डेमेट्रियस वो क्या करता था, विषय वासनाओं में लिप्त रहता था, यानी कि वो सांसारिक प्रलोभनों में, सांसारिक लालसाओं में वो हमेशा लिप्त लगा रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। वो इस
प्रलोभन में, इस काम वासना में, विषय वासना में वो क्या है, बहाना करके जा रहा है। किसका? बीमारी का बहाना करके, और अपने दिन को वो क्या कर रहा, व्यतीत कर रहा वहां पे। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। किसका? बादशाह का पिता उससे मिलने के लिए गया, और उसने एक हसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, बुखार ने मुझे अभी छोड़ा है, क्योंकि वो झूठ बोल करके वहां पे गया था। उसने क्या बहाना बनाया था कि वो बीमार है, उसे बुखार है, तो वो क्या अपने पिता को सफाई में क्या कह रहा है कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला है। दरवाजे पे कौन मिला? वो हसमुख जवान व्यक्ति जो कोठरी से बाहर निकला है, उसको वो क्या कह रहे हैं, ज्वर बताया। क्योंकि ये जो व्यक्ति क्या है, बुरी संगत वाला होता है, और आपके साथ सहभागी जो होता है वो क्या है, उसको ज्वर बताया है। क्या बताया है? बुखार। वो आपको बीमार कर देता है, है? यानी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो क्या है, आघात पहुंचाता है। तो बच्चों, हम लोग ने देखा कि हमें किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए, किन से हमें जान पहचान बढ़ानी चाहिए, कौन हमारे जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए कौन हमारे सहायक हैं, कौन हमारे लिए लाभ का कारण होंगे, कौन हानि का कारण होंगे। इसको इसमें बड़े सुंदर तरीके से उदाहरणों के द्वारा रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। तो बच्चों, जब भी आप चुनाव करें मित्र का, या किसी से आप जान पहचान बढ़ाएं, तो इन बातों को आप अपने ध्यान में रखिए कि हमें किस प्रकार के लोगों से जान पहचान बढ़ानी है। अब इसके आगे का अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।